हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा। आज आपके लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी KVS NVS UP PGT TGT और राजस्थान MP झारखंड उत्तराखंड के जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनका जो पेपर है उनका सोल्यूशन हम आपको उपलब्ध करा रहे थे, तो ये हमारी 25वीं कड़ी है आपके लिए। तो आप इनको देखिएगा और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाइएगा। और हम आपको बता दें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, दूसरा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया मिलता है, और क्या करते हैं उसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं उससे संबंधित भी तैयारी होती है। तो ये जो सोल्यूशन होता है ये किसी भी परीक्षा के लिए 100% कारगर है। जो पेपर अभी तक हुए हैं उनमें से लगभग 20-30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है द हॉलो बॉल स्टेज इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो खोखली गेंदनुमा संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ब्लास्टुला बोलते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो देखा हो जो हम आपको क्लास में ले रहे हैं एनिमल एम्ब्रियोलॉजी की, जूलॉजी सेक्शन में, आप उनको देखिएगा। हमने आपसे पहले भी कहा है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो 100% आपके लिए यूजफुल होता है, कुछ भी इधर उधर का मैं मटेरियल नहीं देता हूँ। इसीलिए जो वीडियो आते हैं वो हमारे सिलेक्टेड वीडियो आते हैं, क्योंकि जो आते हैं कई बार मैटर को देखा जाता है कि ये आपका काम का है कि नहीं है, तभी वो आप तक पहुंचाया जाता है। तो जो मारूला है, हम इसकी बात कर लेते हैं। मारूला क्या होता है, ठोस गेंदनुमा संरचना होती है, ये ठोस, तो इसे मारूला बोलते हैं। ब्लास्टुला क्या होती है मगर बीच में इसमें क्या होता है, खाली स्थान होती है, जिसे ब्लास्टोसिल कैविटी बोलते हैं। गैस्टुला क्या होती है, तो गैस्टुला हम आपको बता दें, गैस्टुला कैसा होता है, सी के आकार की कुछ इस तरह संरचना होती है। ये इसके अंदर आर्केन्ट्रॉन होती है जो ये जगह से खुलती है, इसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। द इंजाइम रिमेन एक्ट ऑन, तो ये जो सॉरी मैंने गलत उसको पढ़ा, द इंजाइम रेनिन है, रेनिन एक्ट्स ऑन। तो इंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न में से निम्न पर होती है, तो किस पर होती है, केसिन पर। किस पर होती है, केसिन पर। ये केसिन क्या होती है, ये प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। ये प्रोटीन किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है मिल्क में, दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो केसिन पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स इज रिफर्ड एज, लिंग कोशिकाओं के संलयन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है, जनन के नाम से जानते हैं। रोपण क्या होता है, कि जब हमारा फेलोपियन ट्यूब में एक फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एक जब नीचे आता है, और नीचे कहाँ आता है, मतलब यूट्रस में, गर्भाशय में आता है, तो वो फर्टिलाइज एक उस गर्भाशय में धंसता है, चिपकता है, तो उसे हम रोपण के नाम जानते हैं। कपलेशन तो जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ द सेक्स नोन एज द कपलेशन। नेक्स्ट है एन इकोलॉजिकल स्टडी अंडरटेकन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज, तो वो क्या इसमें आएगा, तो वो हमारा आंसर आएगा ये सम पारिस्थितिकी यानी सिनिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम किसी जगह उपस्थित सभी जो बायोम होता है उसका स्टडी करते हैं। मींस क्या होता है, यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं और जो इन्वायरमेंट है सबका एक साथ स्टडी करते हैं। आर्टिकोलॉजी क्या होता है, आर्टिकोलॉजी में क्या होता है कि हम किसी एक विशेष विशेष जीव का यानी व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं, तो उसे हम सेनोकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी बोलते हैं। समपारिस्थितिकी मतलब संपूर्ण अध्ययन। नेक्स्ट है द मेजर पोल्यूटेंट इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स, अर्थात जो गाड़ियों से पॉल्यूशन निकलता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ तो नहीं दिया भी, हम आपको बताएंगे, तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जितने भी स्वचालित वाहन हैं इनसे जो निकलता है, तो क्या होता है कि जो पेट्रोल की कुछ मात्रा जल नहीं पाती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, यह सामान
गैसों की अपेक्षा 200 गुना जल्दी हमारे हीमोग्लोबिन में मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें सबसे ज्यादा कौन हार्मफुल होता है, तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 200 गुना ज्यादा जल्दी हमारे हीमोग्लोबिन से मिलता है, और जब हीमोग्लोबिन से मिल जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो चक्कर आना, बेहोशी आना। ज्यादा समय तक अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में चला जाए तो दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है, हम आपको एक चीज बता दें, कभी भी बंद कमरे में रूम हीटर या अंगीठी या अलाव जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है तो क्या करती है, वो धीरे धीरे हमारे ब्लड के साथ मिलती है। तो रात में आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग बोले अंगीठी जलाकर लेटे थे और रात में उनका दम घुटने से मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द फिनोमेना दैट डिफ्यूज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज, वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अभिवहन नहीं होता है, तो वो कौन सा है, तो हम आपको बता दें वो है लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा क्रोमोसोम है और एक मान लेते हैं जीन ए है और मान लो इसके साथ सी लगा है, तो जहां भाई ए जाएगा उसी के साथ चिपक कर कौन चला जाएगा, सी चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्र अभिवहन नहीं होता। स्वतंत्र अभिवहन मेंडल ने क्या बताया था कि जो जीन्स होते हैं किसी ना किसी पीढ़ी में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, मगर जब ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो ये पृथक होने की संभावना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लकी एंड डब्लू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लूसी तथा WT1500 क्या है, अर्थात लूसी एंड WT1500R। तो ये क्या है, फॉसिल्स ऑफ होमिनिड एंसेस्टर है, यानी होमोनिड जो पूर्वज के जीवाश्म है, ये है क्या है? तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि जो लूसी है इसकी खोज किसने की थी, डोनाल्ड जॉनसन ने की थी, जो अमेरिका के मानव शास्त्री थे। इन्होंने 1974 में इसको इथोपिया के जो सैल पत्थर थे वहां से इनको खोजा था, और ये 30 लाख वर्ष पुराने हेमिनिड पूर्वज का पूरा कंकाल मिला। यह पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसा, परंतु कुछ लक्षणों में ये कपियों यानी बंदरों से और कुछ मानव से अधिक मिलता जुलता था, क्योंकि यह जीवाश्म जो था एक फीमेल का था, मादा का था, इसीलिए इसका नाम लूसी नाम दिया गया। अब इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफायरेनसिस का नाम दिया गया है। एंजाइम स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन बाय, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं, कब बढ़ाते हैं, तो लोवरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा घटाकर क्या करते हैं, ये एक्टिविटी को तेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स इज, और ग्लाइको कैलेक्स होता क्या है, तो हम आपको बता दें जो ग्लाइको कैलेक्स होता है ये होता क्या है, तो ये होता है ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, प्रोटेक्टिव आवरण पाया जाता है, जिसे हम ग्लाइको कैलेक्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये एक पॉली प्रोटीन पॉलीसेक्राइड है। ये कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं तथा एपिथीलियम तथा दूसरे जो सेल्स होती हैं उनके सेल्स के चारों ओर मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। बहुत से जीवों में एपिथीलियल जो सेल्स में जो रोम का स्तर होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इज, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो वो हम आपको बता दें, मसल्स इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, धमनियों की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां हैं जो क्या करती हैं, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्रिस क्रॉस
इनहेरिटेंस इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच, देखिए बिल्कुल ये अलग टाइप का क्वेश्चन है कि क्रिस क्रॉस वंशागति एक ऐसी वंशागति प्रकार है जिसमें, तो जिसमें होता क्या है हम आपको बता दें, तो इसमें जो होता है वह यह होता है कि एक सुप्त जो जीन होती है माता द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। मींस क्या हुआ, रिसेसिव जीन इज कैराइड बाय मदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखिए आंसर इसका हुआ क्या लिखा है, रिसेसिव जीन इज कैराइड बाय मदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक सुप्त जीन को माता द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गैमिटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स, मतलब पैरासाइट्स को ना प्लाज्मोडियम आर फॉर्म इन, तो ये मलेरिया परजीवी का जो गैमिटोफाइट होता है ये बनते कहाँ हैं, तो ये हम आपको बता दें कि मनुष्य के ब्लड में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, मनुष्य के ब्लड में बनते हैं, तो मनुष्य के रक्त में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज ट्रू, तो इनमें क्या है, मछलियां सरप सरप एवं पक्षी असमतापी है, मछलियां एम्फीबियन तथा सरीसृप एनएमनियोटा कहलाते हैं, पक्षी स्तनी एवं सरीसृप समतापी होते हैं, सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं, ये सही है। चलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ए डार्क स्टेनिंग बार बॉडी कार्ड बार बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन सेल्स इज मॉडिफिकेशन ऑफ, कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बॉडी कहते हैं, यह बार बॉडी रूपांतरण है, तो ये यक्स में होता है। किसमें होता है, यक्स में। हम आपको इसका कुछ फॉर्मूला बता दें, आप समझ लीजिएगा, अगर दो यक्स हैं तो बार बॉडी कितना होगा, एक, जो अगर दो यक्स हैं, एक सेक्स होता है ना फीमेल में, तो बार बॉडी की संख्या एक है, अगर तीन यक्स हैं तो बार बॉडी की संख्या दो होती है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंटिंग, तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल देखे किसमें कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, युगलीना में, पैरामीशियम में और अमीबा, लगभग सभी में ये हमें देखने को मिलती है, तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आपको जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आपको उपलब्ध कराएंगे, लगभग 13-14 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, तो हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी उपलब्ध कराएंगे, तब तक आप इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा और अपने अध्ययन को प्रॉपर बनाए रखिए। जिन मित्रों के पेपर हो गए हैं उनसे एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मित्रों आप रुके नहीं, लगातार अपनी तैयारी को धार देते रहिए। अगर आप रुक गए और ये सोचेंगे कि जब एग्जाम पेपर आएगा और हमारा फॉर्म आएगा तब हम डालेंगे तब करेंगे, तो हम आपको बता दें आप फॉर्म डालते हैं फिर 2-3 महीने भूल जाते हैं, जब एग्जाम की घोषणा होती है तब नहीं पढ़ते हैं, जब आपका एडमिट कार्ड आता है तब पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप समझ रहे हैं, बहुत लोग हैं जो अच्छी तैयारी करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो, आप लगातार पढ़िए, क्योंकि एक दिन नहीं पढ़कर आप काम कर सकते हैं, एक दिन अगर पढ़ेंगे किताब एक दिन पढ़ लेंगे तो उसमें से केवल आपको 50 क्वेश्चन ही तैयार होंगे 10,000 क्वेश्चंस में, तो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो तैयारी लगातार बनती रहेगी, नई नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।